पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना, आखा दाना जानते हो, पूरा खंडित चावल नहीं, कितना चावल, एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करें। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर बेलपत्र समर्पित कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर वापिस घर को आइए। अगली शरद पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण करेंगे। शिव उपासना के लिए जितनी बारह महीने में पूर्णिमा पड़ती है, एक एक पूर्णिमा का व्याख्यान वर्णन करेंगे। आज तो कथा का महत्तम दिवस है, पहला दिवस है, तो हम उसको महत्व समझें कि पूर्णिमा का महत्व क्या है, हम उसका महत्व समझें कि शंकर और चंद्र का रिश्ता क्या है, संबंध क्या है। भगवान ने जितनी पूर्णिमाएं बनाई है, जितने नक्षत्र बनाए, जितनी घड़ी बनाई, जितना फल बनाया, जितना समय बनाया, ये शंकर भगवान ने जो बनाया ये गलत नहीं बनाया, श्रेष्ठता के लिए बनाया, जग के उद्धार के लिए, संसार के उद्धार के लिए बनाया। अब उसका प्रयोग आप करें ना करें या आपके ऊपर, आप उसका प्रयोग कर रहे हैं ना कर रहे हैं आपके ऊपर। एक व्यक्ति कभी भगवान का भजन नहीं करता था, कभी नहीं जीवन में, कभी उसने सत्कर्म नहीं करा, भजन नहीं करा, पाप ही पाप करा। एक दिन उसकी माँ ने कहा, क्या बेटा तू दिन भर पाप करता रहता, गलत काम करते रहता है। कहा तो एक कहा पाप कर्म में लिप्त था। माँ ने कहा, बेटा कभी पुण्य भी कर लिया कर, कोई पुण्य नहीं करूंगा, मैं तो करना ही नहीं कोई पुण्य, मैं तो पाप ही करूंगा। एक दिन माँ उसको कहीं ले गई गुरु जी के दरवाजे पर, और उसने जाकर गुरु जी के दरवाजे पर भी खूब पाप कर्म करा, किसी को गाली दे, किसी को अपशब्द कहे, किसी को ताने दे, पूरे मोहल्ले का कचरा ला के गुरु जी के आश्रम में डाल दे। गुरु जी भी बड़े परेशान, कहाँ से लिया है इसको, फिर भी गुरु जी बोले ठीक है। अब वो जाने लगा, जाते जाते गुरु जी ने बहुत सारी बात एक दिन उसको लकड़ी तोड़ते समय कह दी। तोड़ते तोड़ते लकड़ियों को उतारते उतारते गुरुजी ने उसको बहुत सारी बातें कही। तो गुरुजी ने उससे पूछा, मैंने जो कहा तूने सुना? तो पापी जो जीव था वो बोला, काय को सुनूं, मैं मेरी माँ को के आया था, एक शब्द नहीं सुनूंगा तुम्हारा। गुरुजी ने कहा, नहीं सुना? नहीं सुना। अरे नहीं सुना तो क्या हुआ, परंतु अब तो सुन ले। क्या? कल शाम को 4 बजे तू मर जाए, मरेगा ये पक्का, पर अगर मर भी जाए ना, परमात्मा के सामने भी पहुंच जाए, तो परमात्मा से कह देना जो लेने आए उसे एक ही बात कहना, वो पूछेंगे तेरे से कि पहले पुण्य भोगेगा कि पाप भोगेगा, तो कह देना पाप भोगूंगा और पुण्य को मुझे मेरी आंखों से देखना, बस इतना कहना और कुछ मत कहना, जा। अब इसको तो लगा कोई गुरुजी कोई सत्य बोलेंगे कि मैं 4 बजे मर जाऊंगा, और जैसे 4 बजे दूसरे दिन तो निपटी गया, मर गया। मरकर यमराज की कैद में गया तो यमदूतों ने ले जाकर इसको यमराज के सामने खड़ा करा। यमराज ने कहा, बता पुण्य भोगेगा कि पाप भोगेगा? तो कहे, पाप तो भोगूंगा पर पुण्य अपनी आंखों से देखूंगा। तो दोनों में से पहले क्या करना चाहता है? तो उसने कहा, पाप भोग लेता हूं और पुण्य अपनी आंखों से देख लेता हूं, बस बता दो। अब इतने में यमराज ने कहा, ये कोई बात होती कि पुण्य अपनी आंखों से देखेगा? मर गया क्या पुण्य के खाक देखेगा? नहीं, मैं तो अपनी आंखों से देखूंगा। यमराज इसको ले गए, इसको नरक का भोग भुगताते भुगताते भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मदेव ने पूछा, हुआ क्या प्रभु, समझ में नहीं आ रहा है, ये एक ही बात लेकर बेटा कि पाप का भोग भोगूंगा और पुण्य अपनी आंखों से देखूंगा। अब ये मर के आ गया तो क्या पुण्य क्या खाक देखेगा? ब्रह्मा जी बोले, तुम अपने काम में लग जाओ, मैं सब निपट लूंगा। ब्रह्मा जी ने उसको रोक लिया, भैया क्या बात है? उसने कहा, बस एक ही बात है, मेरे को पुण्य अपनी आंखों से देखना और पाप भोगना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने पाप भोग लिया ना? हाँ भोग लिया, अब पुण्य दिखा दो।
तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया पुण्य केवल इतना सा है कि मरने से पहले तूने गुरु की एक बात मान ली और यहां आकर उस बात को कह दिया कि पाप भोगूंगा और पुण्य अपनी आंखों से देखूंगा। तूने गुरु के मात्र एक बात मानी इसलिए तुझे मैं ब्रह्मा का साक्षात दर्शन हो गया। एक बात अगर तूने आज गुरु की मानी है तो ब्रह्मा का दर्शन हुआ है। ये शिव महापुराण की कथा, वेदव्यास जी महाराज 24,000 श्लोक को, शिव महापुराण के इन संवादों को, इन श्लोकों को, इस शिव महापुराण को, भागवत आदि पुराणों को अगर वेदव्यास जी ने लिखा है और किसी ब्राह्मण के मुख से आप श्रवण कर रहे हैं, एक संवाद, एक शब्द भी अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो यह पक्का है कि पुण्य तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाएगा और परमात्मा का, मेरे शिव का एक ना एक दिन दर्शन जरूर हो जाएगा, यह पक्का। अच्छा एक बात बताइए कि कई लोग कहते हैं कि कई तुम जहां जहां जाते हो ना, ऐसे वो जिनके शरीर में ऐसे ऐसे लोग घूमते हैं और घूमने के बाद कहते हैं कि तेरी कुल देवी तुझसे रूठ गई, कहते ना तेरे से तेरा ये देवता रूठ गया, वो देवता रूठ गया, परमात्मा रूठ गए। तो आप कैसे पहचानोगे कि भगवान आपसे रूठ गया? आप कैसे जान सकते हो कि भगवान आपसे रूठ गया? हमने देवी जी को धोक नहीं लगाई तो देवी जी नाराज हो गई, हमने पिताजी को धोक नहीं लगाई तो पिताजी नाराज हो गए, हमने वो देवता के ये नहीं करा तो वो नाराज हो गए। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि देवता नाराज होते हैं? देवता नाराज होते हैं, याद रखना, संसार में देवता अगर नाराज होते हैं तो कभी किसी का अहित नहीं करते, बहुत ध्यान देना इस बात पर, कभी अहित नहीं करेंगे देवता अगर नाराज होंगे। देवता नाराज होते हैं तो किसी का भोजन पानी बंद नहीं कर देते, देवता नाराज होते हैं तो किसी का खाना पीना बंद नहीं करवा देते। देवता अगर नाराज हुए हैं और आपको मालूम करना है कि देवता मुझसे नाराज हैं तो कैसे मालूम करोगे? तो केवल एक काम करिएगा, अगर देवता नाराज होते हैं तो सबसे पहले आपकी पूजन पाठ छुड़वा देते। क्या छुड़वाएंगे? रोज मंदिर जाती है, रोज माला उठाकर जाप करती है, रोज गीता जी का पाठ करती है, रोज दिया लगाने जाती है, 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन अगर आप दिया लगाने नहीं गए, मंदिर नहीं गए, पूजन नहीं करी तो समझ लेना कि देवता मुझसे नाराज हैं, इसलिए मेरा मुंह नहीं देखना, मुझसे नाराज। लक्ष्मी नहीं आ रही घर में, देवता नाराज है? नहीं नहीं नहीं, लक्ष्मी नहीं आ रही उसके लिए देवता नाराज नहीं है। लक्ष्मी नहीं आ रही उसके कारण तुम्हारा अहंकार है। भगवान ने जब दिया था उसको सत्कर्म में नहीं लगाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।